વેસુના સ્પ્રિંગવેલી પરિવાર દ્વારા આદિવાસી યુગલોના સમૂહ લગ્ન કરાવાયા। વેસુમાં આવેલી સ્પ્રિંગવેલી સોસાયટી દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં 11 યુગલોના લગ્ન ખૂબ જ વાજતેગાજતે કરવામાં આવ્યા હતા। આ બાબતો સોસાયટીના પ્રમુખ અનિલ જૈને જણાવ્યું હતું કે સોસાયટીની મહિલાઓ શેતુ ભાભી પ્રેમા ભાભી આવેલા વિચારથી આ સમૂહ લગ્ન કરવામાં આવ્યા હતા। દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ અને સોનગઢ અને વ્યારા જેવા વિસ્તારોમાં 9 યુગલોને સુરત બોલાવવામાં આવે છે અને તમામને પારિવારિક સ્થિતિ જોયા બાદ સમૂહ લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા હતા। 84 વિધાનસભા બેઠકમાં ધારાસભ્ય ઝંખટાબેન પટેલની આગેવાનીમાં સમૂહ લગ્ન કરવામાં આવ્યા હતા। સોસાયટીના 124 ફ્લેટ હોલ્ડરોએ ભેગા મળીને આ સમૂહ લગ્નને પાર પાડ્યા હતા। સ્પ્રિંગવેલી પરિવારે 11 નવ યુગલોને ગોલ્ડ સિલ્વર સહિત કુલ 8-9 લાખની મતા આપવામાં આવી હતી। મેં અનિલ જૈન, પ્રેસિડેન્ટ સ્પ્રિંગવેલી સોસાયટી, આજ યે 11 ભાગ્યવાન કન્યાઓ કા સોસાયટી કી તરફ સે વિવાહ કિયા જા રહા હૈ और इसमें हमारी सोसाइटी के सभी परिवार के सभी सदस्यों ने भाग लिया है और हम चाहते हैं, ये शुरुआत है, 11 कन्याओं आने वाले टाइम में हम बहुत बड़े स्केल पर ये काम करेंगे। ये हमारा एक प्रैक्टिकल था लेकिन सोसाइटी ने हमारा पूरा सहयोग दिया है और सब ने मिलजुल कर पूरी सोसाइटी ने 124 फ्लैट हैं, 124 फ्लैट के सदस्यों ने अपना सहयोग दे के और ये हमारा जो प्रोग्राम है इसको पूर्ण तरह से सक्षम बनाया है। तो मैं इन सब अपनी सोसाइटी के परिवार के सभी सदस्यों का पूरा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और आगे भी हम मिलकर ऐसा काम करते रहे ये आशा करता हूँ। सर, इसका ये एक हमारी सोसाइटी की एक शत्रु भाई की पत्नी है मंजू भाभी और प्रेमा भाभी, उन्होंने दोनों ने ये हमारे सामने रखा है विचार भाई सोसाइटी के सामने हमारा मन है कि कोई कुछ कन्याओं का विवाह किया जाए। तो हमने शुरुआत में 11 कन्याओं का विवाह कर दिए, हमने प्रस्ताव पास किया और उसमें सभी को बुला के सोसाइटी के सभी सदस्यों को बुला के उसको पारित किया और सभी ने उसी टाइम सहयोग दे के और इसको पूर्ण करने का, ये सभी हमने पूरे गुजरात में पूरे डांग जिले में पूरे उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग थे, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी जिनकी जो कर नहीं पा रहे थे उनको हमने किया, बुलाया और उनका हमने शादी करने का निर्णय लिया। मैं प्रेमा गुप्ता पास्ट प्रेसिडेंट हूँ आगे से और अभी ये 7 साल से स्प्रिंग वैली में हूँ, तब से मेरा ये परिवार बहुत अच्छा परिवार है और अभी जो हमने कदम उठाया है ये कदम से कदम मिलाकर मेरा पूरा स्प्रिंग वैली परिवार ने हमने साथ दिया और ये शादी का प्रोग्राम। मैडम, ये विचार कहाँ से आया और कितने युगल इसके अंदर जुड़े हुए हैं? इसके अंदर 11 जोड़े की शादी है और ये मैं 8.5 साल से 206 कन्या की शादी कर चुकी हूँ, तो तब से मेरा विचार है भी जब भी मैं करूँ कन्या की शादी। और क्या चीज़ आप इन कन्याओं को देने वाली है सोसाइटी की तरफ से? सोसाइटी की तरफ से इनको गोल्ड भी दिया गया है, सिल्वर भी दिया गया है, पूरा घर संसार, जो घर में संसार में जो चाहिए, कपड़ा मशीन अपनी व्यवस्था के हिसाब से, जो सिलाई मशीन का काम करके अपना घर चला सकते हैं, पूरा ये दहेज जो है, पूरा किचन का सामान और पूरा इनका सपोर्ट। ये आदिवासी समाज की बच्चियों को आपने किया है तो यहाँ पे उनका किस तरह से ये लग्न समारोह का आयोजन किया है? ये मैं, मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि 8 साल से मैं शादी करती हूँ, जो भी सोनगढ़ से समीर भाई रहते हैं वो मेरे को फ़ोन करते हैं ये जोड़ा है क्यों, ये स्कूल चलाते हैं तो जोड़ा है, तो मैं उन जोड़ों को बुला लेती हूँ या मैं सोनगढ़ जाके बारडोली सोनगढ़ और ब्यारा 3 जगह से मैं बच्चों को देख के चेक करके लेके आती हूँ। आप किस तरह से ये उनको मैसेज देना चाहेंगी जो और आगे भी आपका संपर्क करें ऐसे शादियों के लिए? इनसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है, जैसे हमारे पास 11 जोड़ा आए हैं, ये 11 जोड़ा कितनी जगह पब्लिसिटी करते हैं, भाई प्रेमा बहन है ये शादी करती है तो आप इनका नंबर ले लो, तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आते हैं और मैं उनकी इंक्वायरी करती हूँ और उनको बुला के सारी बात पूछती हूँ, तुम लोग को इतनी देर कैसे हुई, तुम लोग अब शादी क्यों करना चाहते हो, तो आपका जब भी आपका जोड़ा बन जाए और आपका चांदला हो जाए उसके बाद आप मेरे को फ़ोन करना।